उत्तराखंड के पौड़ी की बात करेंगे, जहां पर मंडल मुख्यालय पौड़ी को लगातार पर्यटन दृष्टिकोण से विकसित करने के लगातार दावे किए जाते हैं। ये दावे पर्यटन विभाग की ओर से लगातार किए भी जा रहे हैं। आज से कुछ वर्ष पूर्व पर्यटन विभाग के सौजन्य से पर्यटक आवास गृह का निर्माण करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से पौड़ी में किया गया था, जिसमें संबंधित ठेकेदार को भी विभाग की ओर से इसका भुगतान कर दिया गया। लेकिन पर्यटक आवास गृह को विभाग को लंबा समय बीत जाने के बाद भी हैंड ओवर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से असामाजिक तत्वों ने पौड़ी में बने आवास गृह पर जमकर तांडव किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पर्यटक आवास गृह में किस तरह से असामाजिक तत्वों ने उत्पात मचाया। मामला संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित विभाग को अज्ञात के खिलाफ में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। इस संबंध में मेरे द्वारा MD GMN को पत्र भी लिखा गया था कि शीघ्रातिशीघ्र इसके हस्तांतरण से संबंधित कार्रवाई को या जो भी रिमेनिंग वर्क्स उन्हें कंप्लीट करने के लिए मेरे द्वारा 2 पत्र लिखे जा चुके हैं। और तब तक जो चोरी किए जाने की घटना हमारे संज्ञान में ही, तो FIR किए जाने के लिए GMN को निर्देश।